ये कीट पिछले 3-4 साल से हिमाचल में आना शुरू हुआ। जिला चंबा में भी ये कीट पिछले 3-4 सालों से नज़र आता है। जब भी कहीं कीट नज़र आया, हमने किसानों को सलाह दी, जो दवाई स्प्रे करनी होती है इसमें, वो किसान स्प्रे करते थे और लगभग नियंत्रित हो जाता था। वो नुकसान जो है वो लगभग ना के बराबर किसानों को रहता है। पर अगर वो समय पर सावधानी बरतें किसान और समय पर दवाई स्प्रे करें, तभी ये संभव है। इस वर्ष भी अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी। पिछले कल यहाँ पे एक किसान आए, साच एक गांव है चंबा में, वहाँ से कोई 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर गांव है, दौरू गांव का नाम है। उन्होंने कहा कि मेरी खेतों में कीट लग गया है, और वो कीट का सैंपल भी लाए थे। कीट लग गया है और आप चलकर देखें वहाँ पे, और दवाई क्या वहाँ पे स्प्रे करनी चाहिए वो बताएं। तो क्योंकि कीट हर वर्ष आता है और अगर समय पे उसको नियंत्रण नहीं किया जाए तो मक्की की फसल में बहुत नुकसान करता है। फिर हमने जो हमारे कृषि अधिकारी हैं यहाँ से, उनको लेकर साथ में किसान के साथ गए हम वहाँ पे। उसके खेत में देखा तो एक दो खेतों में कीड़े ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था, और किसान ने हमें बताया कि पिछले 2-3 दिन की ही बात है, ये 2-3 दिनों में ही सारा नुकसान हुआ है। तो जो हमारे कृषि अधिकारी साथ में गए थे, उन कृषि अधिकारियों ने वहाँ पे स्प्रे पंप में, यहाँ से दवाई भी विभाग से लेके गए थे, स्प्रे पंप भी यहीं से लेके गए थे कल ही, और वहाँ पर उसमें किसान को सारा वो समझाया, उसमें दवाई डाल के। कृषि विभाग में हमारे पास एक दवाई उपलब्ध है, उसका नाम है कोराजन। तो ये जो एक कीट है उसका नाम है फॉल आर्मी बर्म, और उसके लिए ये दवाई बहुत इफेक्टिव है, कोराजन नाम की दवाई। एक पंप में, जो 15 लीटर का पंप होता है स्प्रे पंप, उसमें 5 ml पड़ती है, और एक पंप आधी कनाल में, या ये समझें कि 1 बीघा में लगभग 4 पंप स्प्रे करने पड़ते हैं। 4 पंप से क्या होता है कि सारे के सारे पौधे जो हैं वो भीग जाते हैं और कीट तक दवाई पहुंच जाती है, तो कीट मर जाता है। इस कीट की एक आदत है कि ये कीट रात में पत्तों को खाता है, एक दल के रूप में बहुत सारे कीट इकट्ठे आते हैं। जब ये अंडा देता तो बहुत संख्या में अंडे देता और एकदम से फैल जाते हैं, और रात को ये पत्तों को कीट खाता है। और जब दिन में देखेंगे तो आपको पत्ते जो है सुबह वो छने हुए पत्ते मिलेंगे, बीच बीच में छेद होंगे बहुत सारे, या पत्ता लगो ऐसा लगेगा खा लिया, सिर्फ जाली जैसे बची है, और कीट नज़र नहीं आएगा। जो कीट है, दिन में जैसे धूप निकलती है तो कीट मक्की के पत्तों के जो पौधा है, पौधे के तने के बीच में चला जाता है। जहाँ भी अगर कहीं किसानों को ऐसा लगे कि पत्ते में कुछ छेद हो गए हैं या पत्ते खाली हैं, तो उस पौधे को उखाड़ के देखें, और उसके पौधे के जो मध्य भाग है वहाँ कीट वो जाके बैठा होता है दिन में धूप के समय में। तो दवाई वहाँ तक पहुँचनी ज़रूरी होती है। वो सारी चीज़ें हमने किसान को बताई, किसान ने वहाँ पे स्प्रे कर दिया है। पर ऐसा लग रहा था वहाँ देख कर कि ये कीट जो है बाकी किसानों के खेतों में भी हो सकता है। तो उसमें वहाँ हमने स्प्रे करवाने के बाद बाकी जो चंबा जिला के किसान हैं उनको भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो किसान हैं अगर ऐसा कोई कीट नज़र आता है तो अपने खेतों में दवाई कीटनाशक, जिसको बोलते हैं कीटनाशक, स्प्रे करें, कोराजन नाम का है, और 5 ml, बहुत छोटी सी इसकी शीशी आती है, 30 ml की होती है, 5 ml एक उसमें ड्रम में डालकर 15 लीटर उसको बना दें घोल पानी डाल के, और उसको स्प्रे करें। ये दवाई विभाग में 50% अनुदान पर किसानों के लिए उपलब्ध है। अगर विभाग का कार्यालय कहीं दूर है, किसान अगर नहीं पहुंच पाते हैं, नज़दीक में जो हमारे कृषि सामग्री विक्रेता हैं, इनपुट डीलर्स हैं, जो कृषि की दवाइयाँ और बीज बेचते हैं, वो नज़दीक हैं कहीं किसान, तो किसान वहाँ से भी दवाई ले सकते हैं। अगर किसानों को कोराजन नाम की दवाई वहाँ नहीं मिलती है तो एक क्लोरोपाइरीफोस नाम से दवाई आती है, वो दवाई ले लें। वो जो दवाई है वो एक ड्रम में, जो 15 लीटर का ड्रम होगा उसमें 30 ml डालनी पड़ेगी, लगभग 2 ml 1 लीटर पानी में, 2 ml एक पानी में क्लोरोपाइरीफोस। और जो दूसरी दवाई है, थोड़ा नाम उसका मुश्किल है, इमामेक्टिन बेंजोएट बोलते हैं, उस दवाई की जो मात्रा है वो आधी पड़ती है। जो 15 लीटर का ड्रम होगा उसमें किसान उसमें 6 से 7 ml दवाई डालेंगे तो कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसमें कुछ सावधानियां हैं,
क्योंकि कीट जो वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है, अंडे देता है, एकदम से फैलता है। किसान ने अपने खेत में दवाई स्प्रे कर दी, लेकिन अगर साथ के खेत में किसान ने दवाई नहीं स्प्रे करी तो वो कीट वहाँ पे फैलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही दवाई का असर 2-3 दिन में बारिश पड़ेगी, दवाई का असर पौधे पे ख़त्म होने लगेगा, तो कीट दूसरे किसान के खेतों से फिर उस किसान के खेतों में आ सकता है। तो अगर ऐसा कहीं कीट नज़र आता तो सभी किसानों को सामूहिक तौर पर ये प्रयास करने पड़ेंगे इस कीट को नियंत्रण करने के लिए। और जिस कीट किसान के खेत में कीट है, एक बार स्प्रे कर दिया है, वो भी निगरानी रखें खेतों की, क्योंकि ये कीट इतना जल्दी फैलता है, कुछ दिन छुपा रहेगा जब तक दवाई का असर है, वो जहाँ जहाँ दवाई पड़ी है वहाँ तो मर जाएगा, लेकिन जहाँ दवाई नहीं पहुँची वहाँ बच जाएगा, और 10-12 दिन के बाद दोबारा से कीट जो फैल जाता है। तो ऐसा भी ना किसान सोचें कि एक बार दवाई स्प्रे कर दी, अब कीट जो है वो कभी नहीं आएगा। नियंत्रण चेक करते रहें खेतों में जाके, और जिस दिन अगर कहीं दोबारा लगे कि कीट दोबारा फिर फैल रहा है तो दोबारा स्प्रे करनी पड़ेगी, अगर नहीं फैल रहा तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है दवाई स्प्रे करने की। तो ये एक संदेश था किसानों के लिए, और बहुत आवश्यक है सभी किसान आजकल सजग रहें, अपने मक्की के खेतों में जाते रहें, और ये कीट 1-2 रातों में ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो जब भी कोई ऐसा नुकसान दिखे तो कृषि विभाग के कार्यालय में जाके संपर्क करें। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।